ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। मौली की ट्रिपल आर नहीं हुई है पोस्टपोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, कब से खबरें आ रही थी कि ट्रिपल आर को पोस्टपोन कर दिया गया है ओमिक्रोन की वजह से, क्योंकि जैसी भी पोस्टपोन हुई हो लगातार तभी से खबरें आ रही है कि बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट पोस्टपोन की जानी है। लेकिन अब SS राजामौली ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं ट्रिपल आर के और इनमें इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, ट्रिपल आर के लिए इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है कि अब किसी भी तरह का बदलाव करना फिल्म के मेकर्स को घाटा ही देगा। हाल ही में केरल में इवेंट हुआ जिसमें SS राजामौली ने साफ कर दी है ये बात, और ऑलरेडी इस फिल्म के टिकट्स भी बुक्ड हो चुके हैं US में 2 मिलियन से ज़्यादा। तो अब किसी भी तरह का रिस्क ट्रिपल आर के मेकर्स नहीं लेंगे। वहीं दोस्तों, एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है जिसमें कि ट्रिपल आर की स्टार कास्ट के साथ खुद राजामौली भी नजर आ रहे हैं पोस्टर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बज बनाने की कोशिश की जा रही है, और इससे कंफर्म हो चुका है कि अब ट्रिपल आर ओमिक्रोन से भी रोके ना रुकेगी। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह के हालात चल रहे हैं, थिएटर बंद किए जाने की मांग की जा रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन थिएटर मालिक और मेकर्स लगातार काम कर रहे हैं इस पर कि थिएटर बंद ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से फिल्म इंडस्ट्री पटरी पर आई है और एक बार फिर से ये सब नहीं झेल पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रिपल आर की बात करें तो अल्लूरी सीताराम राजू कोमाराम भीम की कहानी है जो कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर है। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो चुकी हैं। अजय देवगन है, आलिया भट्ट है, हाल ही में कपिल शर्मा शो में जब पूरी टीम पहुंची थी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हुआ। फिल्म का प्रमोशन इतनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, हर जगह आपको ट्रिपल आर के वीडियोस दिख रहे होंगे और नाचो नाचो सॉन्ग्स और बाकी सॉन्ग्स दिख रहे होंगे। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ट्रिपल आर 7 जनवरी 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो तहलका मचाने को तैयार है SS राजामौली इस तरह के नंबर्स देते हैं। हालांकि ओमिक्रोन का समय होगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं कि करोड़ों में ही कमाएगी ये फिल्म और 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार करेगी। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।